बीजापुर में हुए माओवादी हमले के बाद मास्टरमाइंड के रूप में हिडमा का नाम फिर एक बार चर्चा में है। छत्तीसगढ़ में होने वाली बड़ी नक्सल वारदातों में अक्सर हिडमा का नाम ही सामने आता है। सुरक्षा बलों के साथ गुरिल्ला पद्धति से लड़ने में हिडमा को माहिर माना जाता है। माओवादियों की पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी की बटालियन के अंतर्गत 3 यूनिट काम करते हैं, जिनके पास आधुनिक शस्त्र है और इसका नेतृत्व हिडमा करता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ज्यादातर बड़ी नक्सल वारदातों में हिडमा की साजिश को बताया जाता है। सुकमा के भेज्जी में हुए नक्सल हमले के पीछे भी हिडमा का ही हाथ बताया गया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए थे। वहीं साल 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले में हुए हमले के पीछे भी हिडमा का नाम सामने आया था। इस हमले में कांग्रेस नेताओं समेत 30 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहीं 2010 में चिंतलनार के करीब ताड़मेटला में सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत के पीछे भी हिडमा की ही शातिर दिमाग को बताया जाता है। शनिवार को जिस इलाके में नक्सलियों ने हमला किया था वह हिडमा के पैतृक गांव के पास ही है। पुलिस इस इलाके में घुसकर नक्सलियों की चुनौती देना चाहती है। पिछले दिनों ये दावा किया गया था कि हिडमा को एक मुठभेड़ में मार डाला गया है, लेकिन पुलिस की खुफिया इकाई को हिडमा के बारे में अभी तक ठीक ठाक कुछ पता नहीं, ऐसा भी कहा जाता है। यह भी साफ नहीं है कि हिडमा कोई व्यक्ति है या कोई पद बन गया है। पुलिस और लोगों को भरमाने के लिए नक्सली अलग अलग नामों का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। उधर सुरक्षा एजेंसियां जानती है कि वो फिलहाल बस्तर में सक्रिय है, लेकिन उसके ठिकाने की सही सही जानकारी किसी को नहीं है। इसकी एक वजह इस इलाके का ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा के नज़दीक होना है। इससे नक्सली हमलों को अंजाम देने के बाद आसानी से दूसरे राज्यों में जाकर छिप जाते हैं। हिडमा के बारे में ये भी कहा जाता है कि बस्तर का वो इकलौता आदिवासी नक्सल लड़ाका है जो नक्सलियों की मिलिट्री बटालियन को लीड करता है। बीजापुर के हमले को लेकर ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा बल दरअसल हिडमा को ही पकड़ने के लिए गए हुए थे, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। एक अनुमान के मुताबिक 200 से ज्यादा लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार हिडमा पर 4 राज्यों में 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम रखा हुआ है। हिडमा को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने कई बार कोशिशें की, लेकिन हमेशा उन्हें असफलता ही हाथ लगी, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने में हिडमा माहिर है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि माओवादी घटनाओं के लिए मास्टरमाइंड कहा जाने वाला हिडमा आखिर सुरक्षा बलों के हाथ कब आएगा।